हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेटी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आज के दिन में हम लोगों को रैली देखने को मिली। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बाजार लगभग 10% के लोअर सर्किट पे आ चुका था एंड उसके बाद इतनी ज़बरदस्त रिकवरी। सो उस रिकवरी के पीछे की वजह क्या हो सकती है, तो एक अंदाज़ा मैंने आप लोगों को दे दिया था। बट यस, उस टाइम वो डेटा अवेलेबल नहीं था जो कि अभी हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। सो उसी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे रेज हो रहे हैं कि इतनी ज़बरदस्त रैली क्यों, यहाँ पे कोई ऑपरेटर का खेल है या फिर एक नॉर्मली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली आया हुआ है। सो वही अभी हम लोगों को चेकआउट करना है। सो बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर जो डेटा है आप फाइंड आउट कैसे करते हो? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। ये देखना, आपको यहाँ पर टाइप करना है FIS, उसके बाद DIS यहाँ पे एंड NSE, इतना ही नॉर्मल आपको टाइप करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो FIS, DIS, NSE एंड जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइप करने के बाद एंटर करना है। आपके सामने गूगल खुद जो डेटा है वो सेकंड लिंक अगर आप यहाँ पे देखते हो वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। FIS, DIS ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। वो जो डेटा रहता है, ये देखिए, ये डेटा जिससे रिलेटेड मैंने अभी भी बात की थी, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था कि यहाँ से हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ 100% ऐसा ही होगा, बट एक अंदाज़ा आ जाता है कि यहाँ पे एक्चुअल में मार्केट में क्या हुआ है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं जूम करके आपको बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हो ये है फॉरेन निवेशक, हम लोग कह सकते हैं FIS, FVS पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं। एंड 13th, मतलब अभी अभी ये डेटा हम लोग कह सकते हैं, जैसे मैंने वो पहला वाला वीडियो अपलोड किया था उसके बाद ही कुछ आधे घंटे के अंदर अंदर हो चुका था ये डेटा अपडेट। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग आ जाते हैं, अब जल्दबाजी मत करना, आप यहाँ पे देख सकते हो बाइंग वैल्यू, आज जो फॉरेन निवेशक ने बाइंग किया है 8,336 करोड़ का माल यहाँ पे बाइंग किया हुआ है, उठाया हुआ है। बट उसी के अगेंस्ट अगर हम लोग देख लेते, 8,336 करोड़ तो उठाए, बट यस 14,364 करोड़ उन्होंने बेचा है। सो दोस्तों, अगर हम लोग नेट इसका जो इम्पैक्ट लाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट वैल्यू यहाँ पे 6,000 करोड़ से ज़्यादा का माल यहाँ पे फॉरेन निवेशक मार्केट से निकाल चुके हैं एंड हम लोग कह सकते हैं इसके वजह से लगभग 10% का लोअर सर्किट हम लोगों को देखने को मिला था। इसके पहले भी मार्केट गिरा है, 2000 पॉइंट भी गिरा था, सेंसेक्स हम लोगों ने देखा था, उससे पहले भी बाजार गिर ही तो रहा था। बट यहाँ पे जो विड्रॉवल था FIS का, अगर आप लोग ने यहाँ पे हिस्ट्री निकाल के देख लेते तो लगभग 3,500 करोड़ इतना ही हुआ करता था। बट आज अगर हम लोग यहाँ पे चेकआउट करते हैं, लगभग डबल से ज़्यादा, यस डबल हम लोग कह सकते हैं, दुगना अमाउंट यहाँ पे FIS ने हमारे इंडियन मार्केट से विड्रॉ कर लिया है। सिर्फ हमारे इंडियन मार्केट नहीं बोलना चाहिए, ओवरऑल अगर आप फॉरेन के बाज़ार भी देखोगे वहाँ से भी हम लोगों को ये विड्रॉ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये ज़रूर है, हम लोग ये चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते कि फॉरेन निवेशक अभी भी यहाँ पे बेरिश ही है, कंसिस्टेंटली वो यहाँ पे माल बेचे ही चले जा रहे हैं एंड इसके वजह से हम लोग कह सकते हैं जैसे बाज़ार ओपन हुआ फॉरेन निवेशक अपना माल बेच के यहाँ पे निकल चुके हैं, 10% का लोअर सर्किट लगा एंड उसके बाद हम लोग कह सकते हैं 45 मिनट्स का हॉल्ट यहाँ पे मार्केट में दिया हुआ था। सो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते तो हम लोगों को डेटा मिल जाएगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आप यहाँ पे देख सकते हो DII। सो दोस्तों, अगर हम लोग DIS का डेटा देख लेते हैं, वापस आप डेट देख सकते हो, 13th मार्च आज के दिन का डेट है, फ्राइडे का। यहाँ पे बाइंग वैल्यू अगर हम लोग चेक कर लेते सो बहुत ज़बरदस्त बाइंग वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 13,264 करोड़, 13,264 करोड़, इतनी ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पे DIS से हो चुकी है एंड इसके वजह से हम लोग कह सकते हैं जो ज़बरदस्त रैली आप लोगों को देखने को मिल रही है। अगर सेलिंग वैल्यू भी देखें तो यस 7,400 करोड़ का रफली माल यहाँ पे बेचा है, बट अगर हम लोग नेट यहाँ पे बात करें जो DIS यहाँ पे लगभग रोज 2,000 करोड़ या फिर 2,500 करोड़ तक की बाइंग किए जाती थी, आज उन्होंने डबल से ज़्यादा बाइंग की है, 5,800 करोड़ से भी ज़्यादा का माल यहाँ पे DIS ने उठाया हुआ है एंड इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया था कि एक्चुअल रीज़न अगर आपको जानना है तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, इवन तो आप स्टॉक मार्केट में रहो या ना रहो, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छी खासी रहती है सारी चीज़ें एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉरेन निवेशक FIS की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है, 6,000 करोड़ यहाँ पे मार्केट में से FIS ने निकाला हुआ है, FPS ने यहाँ पे निकाला हुआ है एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने लगभग यहाँ पे 6 करोड़ का इन्फ्लुजन यहाँ पे मार्केट में किया हुआ है। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा, सर अगर यहाँ पे 6,000 करोड़ निकाला गया है, अगर हम लोग देखते 6,000 करोड़ निकाला गया है FIS से एंड FPS की भी बात करें तो 6,000 करोड़ उन्होंने पैसा डाला गया है, सो नेट इफेक्ट तो जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जब उन्होंने 13,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग की तो एक मार्केट को ज़बरदस्त बूस्ट मिला।
जैसे मार्केट को ज़बरदस्त बूस्ट मिल जाता है, देखने को मिल जाता है कि मार्केट 100 पॉइंट रिकवर कर रहा है, 200, 300, 400 पॉइंट्स कंसिस्टेंटली रिकवर किया जा रहा है, सभी लोगों को पता है कि मार्केट ज़बरदस्त रैली दिखाएगा। आज आप देख सकते हो 1500 पॉइंट की हम लोग कह सकते हैं रिकवरी, इतनी सॉलिड रिकवरी इतनी ज़बरदस्त गिरावट के बाद। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वापस यहाँ पे पैसा डालना शुरू कर देते हैं। सो एक कॉन्फिडेंस मार्केट में आ जाता है। तो इसीलिए ये जो डाउट आपके दिमाग में आ गया होगा कि 6000 करोड़ गया एंड 6000 करोड़ आया तो फिर मार्केट भागा कैसे, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं डीआईएस ने यहाँ पे पैसा बहुत ज़बरदस्त डाला एंड उसके बाद मार्केट में कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद बहुत सारे निवेशकों ने भी यहाँ पे पैसा डाला होगा जिसके वजह से ये मार्केट को ज़बरदस्त हेल्प मिल चुकी है। सो दोस्तों यही बताने के लिए ये पूरा वीडियो यहाँ पे मैंने कवर किया है एंड उससे रिलेटेड जैसे मैंने बोला था कि डीआईएस की अगर हम लोग बात करें, इसकी गारंटी नहीं बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसे की अगर कोई संस्था है, एक कोई कंपनी, तो यस LIC हो सकती है। LIC बहुत ज़बरदस्त पैसा इन्फ्लुएंस करती है मार्केट में क्योंकि उनके पास पावर है, बहुत बड़े रिजर्व है। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितना रिलायंस इंडस्ट्री कमाती है पूरे साल में, उतना इन लोगों का एक महीने का प्रीमियम है। इतनी ज़बरदस्त कंपनी है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं जितना क्वार्टरली रिजल्ट आता है उतना इन लोगों के प्रीमियम के रिन्यूअल में ये पैसा कमाती है LIC। एंड इसलिए ये कंपनी के पास बहुत बड़े बड़े रिजर्व है, आप सभी लोगों को पता है। अगर मैं LIC की बात करूँ तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक आइडिया देना चाहता हूँ, इंडिया के जितने भी बैंक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, इंडिया के जितने भी बैंक प्राइवेट प्लस पब्लिक, अगर आप उनको टोटल कर दो एंड अगर उसके रिजर्व्स अगर आप साइड में निकाल दो तो LIC के रिजर्व्स तक पहुंचने के लिए उनको 4 गुना 10 गुना करना पड़ेगा, इतना रिजर्व्स LIC के पास है। सो LIC बहुत बड़ी कंपनी, आप सभी लोगों को पता है एंड इसलिए एक अंदाज़ा है कि शायद से LIC ने यहाँ पे मार्केट में पैसा छोड़ा रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर मतलब इसका अर्थ ये होता है कि ये इल्लीगल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, इसको मार्केट को एक स्टेबिलिटी देना बोलते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ थोड़ी सी ये थियोरेटिकली बातें हैं। अगर आपको मार्केट को स्टेबल करना है, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको मार्केट को स्टेबल करना है दो ऑप्शन मेजरली आपके पास होते हैं। सबसे पहले जो आज हम लोगों ने देख लिया, किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ आप बात कर लो, DIS के साथ आप बात कर लो, वो पैसा छोड़ देंगे मार्केट में तो एक अच्छा खासा रिकवरी आएगा। एंड सेकेंड, आप यहाँ पे क्या कर दो, बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोल दो कि आप अपना रेट कट कर दो, जो हम लोग बोलते हैं ना रेपो रेट, इसको कह दे कि रेपो रेट कट कर दो। बट ये जो चीज़ होती है रेपो रेट कट करना, वो फिलहाल ऐसा लगता है कि मार्केट में अगर ये किया जाएगा तो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि फेडरल रिजर्व ने, जो अमेरिकन की सेंट्रल बैंक है, अमेरिका की सेंट्रल बैंक, उन्होंने भी अपने रेट कट किए थे बट बाज़ार में कोई रौनक नहीं आई थी। सो शायद से RBI को भी यही डर लग रहा होगा कि अगर हम लोगों ने रेपो रेट कट कर दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो गया तो अननेसेसरीली ये डबल नुकसान हो सकता है। तो शायद से ये DIS वाला फॉर्मूला अप्लाई किया होगा। तो वापस कह रहा हूँ, ये कोई गलत बात नहीं होती, हर एक कंपनी हर एक कंट्री में हम लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि मार्केट को बूस्ट करने के लिए हेल्प ज़रूर करती है। बट यस, इससे मैं एक ज़रूर कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो रैली वाली जो बात है, रैली हम लोग कहते हैं कि ठोस रैली अगर आपको देखनी है, जो बॉटम बना है वो अभी तक नज़र नहीं आता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि DIS यहाँ पे और पैसा डाल सकते हैं, कल भी मार्केट को, मतलब जब मंडे को बाजार खुल जाएगा तभी भी वो भगा सकते हैं, दो दिन बाद और उसको भगा सकते हैं। तो एक मार्केट में जो प्रेशर है, कुछ अननेसेसरी भी प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसको वो तोड़ दे। बट इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट अभी सॉलिड हो चुका है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो मेन क्रक्स बात होती है वो होते हैं फॉरेन निवेशक, किसी भी मार्केट के लिए, किसी भी कंट्री के मार्केट के लिए। जब तक फॉरेन निवेशक यहाँ पे पैसा वापस नहीं डालेंगे, उनका कॉन्फिडेंस जब तक बूस्ट नहीं होगा, तब तक हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। थोड़ा बहुत मार्केट भागेगा ज़रूर, बट यस, जो एक कॉन्फिडेंस है कि हम लोगों ने बाइंग करना चाहिए, वो अभी भी यहाँ पे नज़र नहीं आता। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते जितनी पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर ली। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे ऑपरेटर भी हो सकते हैं जो कि बाजार को इतना भगा सकते हैं? देखिए, ऑपरेटर को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, आप सभी लोगों को पता है। ऑपरेटर मतलब क्या, बहुत सारे लोग ये भी डाउट पूछते हैं। ऑपरेटर मतलब आप इजीली पकड़ लेना, जिनके पास अरबों खरबों रुपया है, बहुत ज़्यादा पैसा है। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आपको किसी स्टॉक को भगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली बाइंग। सो ये बाइंग कौन कर सकता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। सो बहुत बाइंग हो जाने के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, अगर बहुत हम लोग सेलिंग भी कर देंगे तो वो स्टॉक नीचे भी गिर जाएगा। सो ऑपरेटर बेसिकली मतलब जिनके पास बहुत अरबों खरबों पैसा है एंड वो किसी भी स्टॉक को ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो क्या यहाँ पे ऑपरेटर का खेल हो सकता है? सो फिलहाल हम लोग, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेटर की कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जितने मैंने यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें बताई, एक फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से जो चीज़ें हम लोग ट्रैक करते हैं कि फॉरेन निवेशक अगर यहाँ पे अभी भी पैसा, यहाँ पे माल निकल रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार यहाँ पे और भी कितना रिकवर करे तब तक आप लोगों ने यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए, जब तक ये डेटा यहाँ पे हम लोगों को सुधरते हुए देखने को नहीं मिल रहा है।
सो दोस्तों मैंने एक वर्ड भी यूज़ किया, बाइंग। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ऐसी चीज़ों में, सर आप बोल रहे हैं यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। देखो बाइंग मैंने किसके रिलेटेड बाइंग के लिए चीज़ें बोली है, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बोलते हैं, जो रैली पकड़ के बाइंग के लिए बात करते हैं, जो लोग इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मतलब जिनका नज़रिया लंबा होता है, उनको डरने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट आई होप, मैं ऐसा समझता हूँ कि जितना गिरावट हो रहा है आप यहाँ पे माल उठा रहे हो, क्योंकि जितनी गिरावट आपको मिले, जितना आपकी कैपेसिटी, उसके हिसाब से आप लोगों ने माल खरीदते ही रहना है। क्योंकि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगा, शायद से ये भी बॉटम हो सकता है, मैं गलत जा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यही बताना चाहता हूँ, जितना आप लोगों को नीचे मिले आप लोगों ने कुछ ना कुछ क्वांटिटी ज़रूर खरीदनी है। बट येस, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आते हो तो ये अभी भी मैं बताना चाहूँगा कि फॉरेन निवेशक का जो ये डेटा है आप लोगों को अभी भी कह रहा है कि मार्केट की जो एक स्टेबिलिटी है, हम लोग कह सकते हैं एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, वो अभी भी गारंटी वाली है नहीं। शायद से मंडे को भी मार्केट भाग सके, उसके नेक्स्ट दो दिन भी भाग सके, एंड उसके बाद वापस ज़ोरदार एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सके। सो फिलहाल यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि आप लोगों ने यहाँ पे फॉरेन निवेशक यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर नज़र रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोगों ने फॉरेन मार्केट भी देखना है, क्योंकि एक जो कॉन्फिडेंस था वो फॉरेन मार्केट से भी हम लोगों को देखने को मिला। क्योंकि जो डॉस फ्यूचर्स है, आप सभी लोग पता है, नीचे से लगभग हम लोगों को 1600 पॉइंट्स यहाँ पे सुधरते हुए देखने को मिला। सो वो भी एक कॉन्फिडेंस हमारे मार्केट में रिटर्न मतलब जान डालने के लिए बहुत काम आया हुआ था। तो आप सभी लोग पता है कि अमेरिकन बाजार, उसके ऊपर भी आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए कि वहाँ पर अगर सुधार हो जाती है तो शायद से मार्केट में और भी थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। सो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन मेरा यही है इस वीडियो का, कि अगर आपको सेफ खेलना है, मैं वापस बोल रहा हूँ, सेफ अगर खेलना है तो आप लोगों ने अभी भी वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। सारी चीज़ों को नॉर्मल होनी चाहिए, जल्दबाजी मत कर लेना। एंड जो इन्वेस्टर है, यस, उन्होंने अपनी तो यहाँ पे खरीदारी अपने कैपेसिटी के हिसाब से चालू रखनी। जितना भी स्टॉक नीचे जाए, जितने भी ये चीज़ें नीचे जाए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, मैंने आपको लिस्ट भी बताई थी कि कौन से शेयर खरीदने, आप देख सकते हैं उनमें से मैक्सिमम शेयर्स आज भागे, एंड इसके वजह से हम लोगों को निफ्टी भी रिकवर होते हुए देखने को मिला है। वो शेयर्स जब तक नहीं भागेंगे तब तक निफ्टी नहीं भागेगा, मैंने आपको कहा था। जैसे वो शेयर भागना शुरू कर दिए, निफ्टी भी भागना शुरू हो गया, एंड बाकी के शेयर्स में भी जान आना शुरू हो चुकी है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों, जितनी भी पॉसिबिलिटी थी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि कैसे रीजंस होते हैं, कैसी चीज़ों को चेकआउट करने का होता है, कैसी चीज़ों को देखने का होता है। सो इवन दो अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो, आप लोगों को ये चीज़ें समझने के लिए, नॉलेजेबल पर्पस के लिए बहुत ही हेल्प करती होगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।